Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG. Let me introduce about myself Anshul Valicha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JAS JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi South X branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. Unacademy is the best online learning platform. Unacademy के plus subscription पे क्या-क्या benefit मिलते हैं? एक आपको daily live class मिलेगी, interactive class रहती है, मेरी भी live class होती है, आप special live class, free class होती है, Unacademy के platform पे जाकर देख सकते हैं. Structured course होगा, in line with the syllabus of the exam, live test and quizzes होंगे. Unlimited access, this is the most important feature. Once आपने एक बार subscription ले लिया, उसके बाद आप unlimited times from anywhere आप सारी live classes और recorded classes को access कर सकते हो. Iconic subscription की बात करूं, Iconic subscription में all benefits of plus आपको मिलेंगे. उसके अलावा personal coach मिलेगा one-on-one guidance के लिए, study planner होगा, customized study plan with bi-weekly reviews होते हैं. Test analysis, in-depth test analysis होता है with personalized feedback to improve your time management and exam approach. Iconic subscription की 1 year की fee है 45,000, 2 year की fee है 61,000. जैसे ही आप live AV मेरा code use करेंगे, आपको 10% fee में discount मिलेगा और 1 year की final fee हो जाएगी 40,500, 2 year की final fee हो जाएगी 54,900. Subscription price will be increased soon. Subscription price बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन प्राइस बढ़ने से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लें. प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं, प्लस की 1 year की फी, 1 month की फी 6K है, 3 month की फी 15K है, 6 month की फी 24K है, 1 year की फी 30K है, 2 year की फी 36K है. बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा. 1 year की फाइनल फी 27,000 हो जाएगी और 2 year की फाइनल फी 32,400 हो जाएगी. लाइव एवी इज माई कोड. Unacademy लर्निंग ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. लास्ट क्लास में, लास्ट जो वीडियो में हमने देखा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी कुछ डिफरेंट पॉइंट्स पे पड़ी थी, अब जनरल पॉइंट पे पूछ रहा हूँ एट एनी पॉइंट, अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं. देखते हैं, ये मेरे पास एक वर्टिकल सर्कल है, लोएस्ट पॉइंट L होता है, हाईएस्ट पॉइंट H है. मान लो एक पॉइंट P मान लिया, OP जो लोएस्ट वाली लाइन के साथ थीटा का एंगल बना रहा है. इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैंने V मान ली, यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये H हाइट लिख दी मैंने. ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना, अब ट्रायंगल OPD से cos थीटा r - h / r होगा, क्योंकि बेटा ये भी रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस है. cos थीटा r - h / r होगा, तो आपने वहां से h की वैल्यू निकाल ली और आपकी जो h की वैल्यू आ गई r into 1 - cos थीटा आ गई, ये आपको पता होना चाहिए. अब हम इक्वेशन लिखते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए. वेलोसिटी निकालने के लिए हमें ये पता है कि v equal to v1 square - 2gh, जहां पर v1 जो वेलोसिटी ली है मैंने, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ली है, ये v1 ले ली. एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी पोटेंशियल को जीरो माना है, तो यहाँ काइनेटिक कम हो जाएगी, पोटेंशियल बढ़ जाएगी. तो जैसे आपने सोल्व किया तो ये रिजल्ट आ गया आपका, यहाँ से v स्केयर इज इक्वल टू v1 स्केयर माइनस 2gh. तो आपने यहाँ से v स्केयर h की वैल्यू जो भी हमने पीछे निकाली थी पुट कर दी r into 1 minus cos theta, तो यहाँ से आपका v की वैल्यू इतनी आ गई v1 स्केयर माइनस 2gr 1 minus cos theta. अब ठीक है, ये जनरल आया बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आपको पता हो. हाइट की टर्म में ऐसे निकालनी है और थीटा और रेडियस की टर्म में आपको वेलोसिटी ऐसे निकालनी. डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एट हाईएस्ट पॉइंट, ये ध्यान रखना है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे और लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 6 mg होता है. कितना होता है बेटा? हमेशा 6 mg होता है. कैसे? हाईएस्ट पॉइंट पर आप देखो टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, TH plus mg is mv square by r, वो पुट किया. मिनिमम स्पीड, ये TH की मिनिमम वैल्यू है बेटा, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर TH की, क्योंकि आप VH की मिनिमम वैल्यू पुट किया आपने रूट GR, क्योंकि आपका VH मिनिमम रूट GR होता है. आपने ये पुट करने के बाद मिनिमम टेंशन आपने जीरो निकाली है हाईएस्ट पॉइंट पे. ऐसे ही आपने लोएस्ट पॉइंट पे देखा है, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन का फॉर्मूला ये आ गया. क्लियर है? यहाँ गड़बड़ है बेटा, ये यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस एम जी आ गई.
अब आप यहाँ एक चीज और देख लो, ये भी मिनिमम टेंशन है, क्यों? आपने लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड लिखी है, वो होती है √5 GR। तो जैसे ही पुट किया, मिनिमम टेंशन 6 mg आ गई, और दोनों को माइनस करने पे ही आया 6 mg। आपको एक बात यहां से बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का डिफरेंस हमेशा 6 mg होता है। ध्यान रखना, ये ऑलवेज है, बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। अच्छा, एक दो पॉइंट और बता दूं। यहां याद हो आपको M1 पॉइंट होता था, और यहां आपको हम M2 पॉइंट लिखा था, लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट जितनी होगी, जैसे इस केस में 6 mg है बेटा, यहां अगर 5 GR स्पीड थी तो यहाँ √3 GR स्पीड हो गई थी, ठीक है? तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट M1, ठीक है? तो बेटा यहाँ 5 थी तो यहाँ √3 ये हो गई थी ना, तो ये हमेशा 3 mg आता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है? अब VL का स्केयर, लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड का स्केयर और M1 पे स्पीड का स्केयर, यहाँ 5 GR थी तो यहाँ कितनी थी बेटा, 3 GR, तो ये 2 GR आता है। MGH जैसे था ना, MGH होता है, तो अब हाइट कितनी ऊपर आया, मैं R ऊपर आया 2 GH करके, तो उस हिसाब से फॉर्मूला लगाया। क्लियर है? M1 का स्केयर माइनस हाईएस्ट पॉइंट का स्केयर, ये कितना होगा, ये भी कितना होगा बेटा, 2 GR होगा, हमेशा ऑलवेज ये ध्यान रखना है। ये सारे रिजल्ट ऑलवेज हैं जो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको पता हो। अब मैं बोल दूं यहाँ, अच्छा एक चीज और, जितनी यहाँ पे टेंशन होगी ना, यहाँ देखो यहाँ 6 है तो इससे एक कम, √5 GR यहाँ स्पीड होगी। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे जितनी होगी उससे एक कम टेंशन होगी, जैसे यहाँ नहीं, उससे एक ज्यादा, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड 0 थी, तो 0 से एक फालतू एक होगा ना, तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट की मिनिमम वैल्यू mg होगी। समझ आ गई मैंने क्या कहा है? ये √GR थी याद हो तो, मिनिमम पे आपको, तो यहाँ एक कम वो 0 हो जाएगी। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? उस हिसाब से आपको स्पीड देखनी होती है, तो चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन है, डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट इज ऑलवेज 6 mg, तो ये आपका आंसर आ गया, अभी हमने पढ़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज, क्या होती है? लोएस्ट होती है, लोएस्ट पे सबसे ज्यादा होती है। थैंक यू। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा कोड है लाइव एवी, लाइव एवी कोड यूज करने से आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा।